एपिसोड 58, नेकलेस की शर्त। विधि ने दूसरी तरफ मोहित को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ओके, ऐसा समझ लेना कि मैं तुमसे उधार ले रही हूँ। विधि को ऐसा जवाब देते देख अमृता हक्का बक्का हो गई। ये लड़की जरा भी मोहित सर का सपोर्ट नहीं लेना चाहती। आसपास खड़े सारे अमीर आदमी कंफ्यूज होकर यही सोच रहे थे कि उन्होंने विदुषी के मुंह से उधार वर्ड सुना। वहां खड़े हुए लोग विधि को जिद्दी समझने लगे, लेकिन मोहित के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो विदुषी से कुछ कह दे। बाकी विधि की बात मोहित के चेहरे पर चोट की तरह लगी। इस लड़की में किसी को भी जवाब देने की हिम्मत थी। सब लोग मोहित को सवाल पूछने वाला लुक देने लगे। मोहित धीरे से बोला, मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मैं अभी तक इस लड़की का दिल नहीं जीत पाया हूँ। युविन अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और वो जोर से हंसा। ये सीन भी कितना अजीब है। ऐसी कौन सी चीज है जो मिस्टर मोहित सॉल्व नहीं कर सकते। युविन एक अच्छे दोस्त की तरह मोहित के कंधे पर हाथ थपथपाया। वो पीछे की तरफ मुड़ा और विधि से बोला, मिस, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए प्राइस थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। अगर आप ये हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन जीत गई तो मैं आपको टी सेट दूंगा। अपने किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी या फिर कपड़े देना एक अच्छा दोस्त कभी ऐसा नहीं करता, इसीलिए युविन के दिमाग में सबसे पहले टी सेट आया। विधि अपनी तरफ से युविन को मना करने वाली थी, लेकिन जब तक वो कुछ बोल पाती तब तक बाकी सारे आदमियों ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ मिस, अगर आप जीत गई तो हम सब आपको गिफ्ट देंगे। मैंने सुना कि आप सिंगर हो, मैं आपको स्पीकर दूंगा। मैं आपको जिम क्लब का VIP कार्ड दे दूंगा। मेरी तरफ से आपको मेरे रेस्टोरेंट में हर चीज फ्री। और मेरी तरफ से। सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से विधि को गिफ्ट का प्रॉमिस कर दिया। विधि हैरान हो गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके जीतने पर सब लोग ऐसे खुशी मनाएंगे। मोहित सब लोगों के गिफ्ट सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो बोला, आप सबके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपको ऐसा करने से रोकना चाहूंगा। नहीं नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है। सब लोग एक साथ मोहित से बोले। मोहित शर्माते हुए हंसने लगा। विधि, अच्छे से हॉर्स राइडिंग करना, अगर तुम जीत गई तो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट वेट कर रहे हैं। विधि वापस होश में आ गई और मोहित को कड़वी मुस्कुराहट देने लगी। बेशक वो उन सारे गिफ्ट को लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सारे आदमी बड़े प्यार से विधि को ऑफर कर रहे थे। वो सबको मना नहीं कर सकती थी। विधि ने सर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं सबके गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूंगी। वो सब खुश हो गए क्योंकि विधि ने मोहित के गिफ्ट को मना कर दिया था और उनके गिफ्ट के लिए हाँ कर दी। वो सब विधि के लिए चीयर करने लगे, लेकिन आखिर में मोहित बहुत खुश हुआ। मोहित को नहीं पता था कि वो हंसना चाहता है या फिर रोना, उसके किस तरह के दोस्त थे, लेकिन वो इस बात को लेकर खुश था कि उसके सारे दोस्त विधि को वार्म अप कर रहे थे। पहले ही मीटिंग में विधि ने मोहित के सारे दोस्तों का दिल जीत लिया था। एक्चुअली में मोहित प्राउड फील कर रहा था। वहां खड़ी लड़कियां विधि से जल रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने चेहरे पर विधि के लिए नफरत दिखा सके। अमृता के एक्सप्रेशन भी देखने वाले थे। अभी तक कॉम्पिटिशन शुरू नहीं हुआ था और इन सारे आदमियों ने अपनी नजरों में विधि को जीता हुआ मान लिया था। सब लोग उसको गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी अमृता को गिफ्ट देने का ऑफर नहीं किया। मिस्टर खान ने भी विधि को गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर दिया और अमृता पूरी तरह से इग्नोर। अमृता को बुरा लगने लगा। वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, चलो अपने अपने घोड़े चूज कर लेते हैं। अमृता ने अपना मन बना लिया था। वो विधि को किसी भी हाल में बस हराना चाहती थी। वहां खड़ा सारा ग्रुप हॉर्स राइडिंग के एरिया में चला गया। मोहित को एकदम से कुछ याद आया। उसने विधि की बाजू खींची और उसे बड़े प्यार से पूछते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में हॉर्स राइडिंग करने आती है? मोहित भी जानता था कि हॉर्स राइडिंग अमीर लोगों की हॉबी है और बिना किसी पर्सनल ट्रेनर या बिना पैसे के कोई भी ऐरा गेरा हॉर्स राइडिंग नहीं सीख सकता। मोहित ने पहले भी अपने पर्सनल असिस्टेंट से विधि के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और उसके हिसाब से विधि किसी भी तरह से हॉर्स राइडिंग के टच में नहीं थी। हालांकि वो नहीं जानता था कि विधि अपने पूर्व जन्म में जी रही है। पुरानी लाइफ में विधि को आरव कपूर ने अडॉप्ट किया था और आरव ने विधि को हर वो चीज की कोचिंग दिलवाई थी जो अमीर लोग करते थे, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, सर्फिंग, कार रेसिंग। विधि हर उस हॉबी से फैमिलियर थी जो लोग करते थे। हाँ, मुझे हॉर्स राइडिंग आती है, विधि ने मोहित को बताया। लेकिन
मोहित ने पूछा, तुमने कहा था तुम्हें मंथली प्रॉब्लम चल रही है। विधि ने अजीब ढंग से मोहित की तरफ देखा और बड़ी सिंपल तरीके से बोली, मैंने झूठ बोला था। मोहित की बोलती बंद हो गई। ये छोटी सी लड़की उससे झूठ बोल रही थी। मोहित ने सोचा कि वो ये सब बात तब तक याद रखेगा जब तक उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए वो एग्री नहीं हो जाती। अमृता ने बातें करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और जल्दी से जाकर उसने अपना घोड़ा चूज कर लिया और वो जोर से अनाउंसमेंट करते हुए बोली, मुझे यही घोड़ा चाहिए। अमृता ने एक लंबा मस्कुलर घोड़ा चूज किया जिसकी ब्रीड इंग्लिश थी। वो एक हैंडसम घोड़ा था जिसके अंदर परफेक्ट स्ट्रेंथ और मसल्स थी। बल्कि अमृता और बाकी सब लोग भी उस घोड़े के बारे में जानते थे। उसका नाम चेस्टर था, जो कि इस हॉर्स राइडिंग क्लब में काफी फेमस था। एक नॉर्मल मेंबर के लिए वो सबसे बेस्ट घोड़ा था। सारे अमीर आदमियों को इम्प्रेस करने के लिए अमृता अपने घोड़े पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगी और चेस्टर को इधर उधर भगाने लगी। वो घोड़ा मिल जाने से अमृता का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। ग्राउंड के साइड में खड़े हुए लोग लंबी सांस लेने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जिस लड़की को मोहित सर लेकर आए हैं वो आज पक्का अमृता से हार जाएगी। लेकिन विधि को हारने का डर नहीं था। वो कॉन्फिडेंटली अपना घोड़ा चूज करने के लिए बाकी घोड़ों के पास गई। जिन लोगों को हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी वो ज्यादातर ऊंचे और मस्कुलर घोड़ों को चूज करने से डरते थे। लेकिन विधि तो घोड़ों के आसपास ऐसे घूम रही थी जैसे कि वो किसी गार्डन में फूल देखने के लिए निकली हुई हो। विधि ने बहुत सारे घोड़े देखे लेकिन उसे एक भी घोड़ा पसंद नहीं आया। जिस तरह से विधि अपने लिए घोड़े ढूंढ रही थी, वहां खड़े लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वो हॉर्स राइडिंग जानती है। लेकिन अब क्या करें? सबसे अच्छा घोड़ा तो अमृता ने पहले ही यूज कर लिया था और अब उस घोड़े की स्पीड को मैच करने के लिए कोई भी घोड़ा नहीं था। क्या यहाँ पर और भी घोड़े हैं? विधि ने पूछा। हाँ, हॉर्स राइडिंग क्लब का हेल्पर विधि को बताने लगा, यहाँ पर दो और भी घोड़े हैं, एक फ्रेंच घोड़ा है और एक इंग्लिश। ये चारों घोड़े फॉर्मल सर्टिफिकेशन के साथ है लेकिन इन्हें सिर्फ प्रीमियम ब्लैक कार्ड वाले मेंबर ही बोरो कर सकते हैं। मेरे पास प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। मोहित मुस्कुराते हुए विधि को देखने लगा। विधि ने जवाब दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। असलियत में विधि को इन चारों घोड़ों में भी दिलचस्पी नहीं थी लेकिन वहां खड़े आदमियों को लगा कि विधि शायद मोहित सर का कार्ड यूज नहीं करना चाहती। इसीलिए सब लोग चिल्लाकर बोलने लगे, मेरा कार्ड यूज कर लो, हम सब पर प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। विधि ने अपने माथे पर हाथ रखा और सब लोगों को इग्नोर करने का डिसाइड किया। विधि को याद था कि इस हॉर्स राइडिंग क्लब में सिर्फ यही घोड़े नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ स्पेशल और प्राइवेट घोड़े थे जिनको अमीर लोगों ने यहाँ पर केयर के लिए छोड़ रखा था। मोहित से पूछने से पहले विधि कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई। तुम अभी कौन सा घोड़ा चला कर आ रहे हो? विधि ने पूछा। मैं? मोहित ने जवाब दिया, मैं तो अपना घोड़ा चला रहा था। मोहित ने अपना मिक्स ब्रीड घोड़ा राइडिंग क्लब में छोड़ रखा था। वो घोड़ा हाई जंप करने में अच्छा था लेकिन उसकी स्पीड इंग्लिश ब्रीड के घोड़ों की तरह तेज नहीं थी। इसलिए मोहित विधि को अपना घोड़ा सजेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन विधि बोली, क्या तुम मुझे अपना घोड़ा लाकर दिखा सकते हो? श्योर। मोहित उसकी बात से एग्री कर दिया। बेशक वो थोड़ा हैरान था लेकिन विधि ने उसके घोड़े में दिलचस्पी दिखाई इसलिए वो खुश भी था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई मोहित को अपना घोड़ा देखने से रोक पाए। इसीलिए सारा ग्रुप मोहित के साथ वहां जाने लगा जहां पर प्रीमियम ब्लैक कार्ड मेंबर्स के घोड़े खड़े हुए थे। वो जगह नॉर्मल मेंबर्स के लिए नहीं खुली थी। तभी वहां महंगे महंगे घोड़े आराम से घूमते रहते थे और जब भी उनका कोई मालिक आता था वो अपने मालिक के साथ ही घूमते थे। मोहित ने मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाई और उसकी सीटी बजते ही कुछ ही पलों में काले कलर का घोड़ा सब लोगों के सामने आ गया।